एंड आप लोग कैसे हैं? जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और जहाँ भी होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी हम इस समय निकल चुके हैं ड्यूटी। और ड्यूटी बोले तो सब काम ख़त्म करने के बाद में अभी हम ड्यूटी निकल रहे हैं, यानी आज से यहाँ का सुबह 7 बजे उठने वाला टेंशन ख़त्म हो गया। सुबह 7 बजे उठने वाला टेंशन बोले तो सबसे बड़ा टेंशन जो था ना, ये स्कूल वाला उठना 7 बजे बहुत भारी पड़ता है। बहुत भारी बोले तो बहुत ही भारी, क्योंकि रात में आदमी लेट सोता है, ड्यूटी रहता है और सुबह में 6 बजे उठना पड़ता है। 7 बजे स्कूल है तो 6 बजे उठना पड़ता है। तो अभी ये जो स्कूल वाला जो प्रॉब्लम है ना, आज से ख़त्म हो गया, यानी आज से स्कूल यहाँ पे बंद हो गया 2.5 महीने के लिए। 2.5 महीने के लिए स्कूल बंद हुआ है, लेकिन मेरे को मैं 2.5 महीने के लिए इसी बात पे तो दिक्कत हुई थी ना, मेरा कपिल से बहस भी हुआ था, जैसे बुढ़ा जो है बहुत अच्छा है, लेकिन उसने 2 महीने के ही छुट्टी बोल रहा था जाने के लिए। इसके लिए 2.5 महीने की स्कूल है बंद हो रहा है ना, इसके लिए बोला था 2 महीने की छुट्टी जाओ। मैं उसको बोला था 2 महीने की छुट्टी हम नहीं जाने वाले हैं, कहा था 3 महीना चले जाओ, हम कहने 6 महीना छुट्टी चाहिए, 6 महीना। बोला 6 महीने बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर स्कूल खुल जाएगा, कौन जाएगा स्कूल लेके आना जाना। मैं बोला मेरे को नहीं मालूम है, मेरा 2 साल ख़त्म हो गया, मेरे को छुट्टी चाहिए बस। और फ्रेंड, मैं इधर बैक कैमरा करके दिखाऊं तो इधर देखिए, ये जितना ये पहाड़ी है ना, इसको तोड़ के ये लोग ना, जैसे वो कॉफ़ी शॉप जैसे, यानी इथू जैसे बना रहे हैं, यानी घूमने के लिए शो के लिए बहुत अच्छा बना रहे हैं सब। इधर सब देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है इस समय। इधर इधर हदिका भी है पार्क। इधर देखिए कुर्सी उर्सी रख के ये सब बना दिए, कहीं पे भी ये लोग दुकान डाल देता है। और इस समय धूप तो इतनी चमक रही है ना कि कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, बहुत काफी। ये पार्क में रात को बहुत काफी भीड़ होता है। ये जो पार्क है ना, ये इधर पहाड़ के जस्ट बगल में ही है, और इसमें खेलने के लिए बच्चे उच्चे लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं किसी दिन सोचता हूँ इसमें आके वीडियो बनाने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता है। फिर दूसरे टाइम जरूर आएंगे कभी, तो मैं वीडियो इसमें का जरूर बनाऊंगा। तो फ्रेंड, अभी हम जा रहे हैं मार्केट, अभी हम रास्ते में ही हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो हम वहीं पे बात को रोक दिए थे, क्योंकि मैं उधर पहाड़ी के इधर से गुजरा था तो मैं दिखा दिए आप लोगों को। तो उसने 3 महीने की छुट्टी बोला जाने के लिए, तो मैं बोला 3 महीने की छुट्टी नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा करके, हम यहाँ की बात बता रहा हूँ, जो औरत बोलती है ना वही सब करते हैं, ये बात हकीकत है। अपने यहाँ तो थोड़ा ये हो जाता है ना, आदमी जैसे गुस्सा होके चाहे कुछ भी औरत को बोल देता है तो औरत शांत हो जाती है, यहाँ की औरत जो बोलेगी वही उसका आदमी करेगा, यानी ऐसा है बहुत काफ़ी। यानी यहाँ से 100 घर में से यानी 99 घर ऐसे ही है कि जो औरत बोलेगी वही करेंगे ये सब। औरत बोलेगी कि ये काम करना है तो उसको कैसे भी करना है, करना ही पड़ेगा, और ऐसे ये सब मानते जानते भी हैं ये लोग औरत को यहाँ पे, जो है ना। हम अपने इंडिया की बात तो नहीं बता सकते हैं, जैसे इन लोगों की हम बात बता रहे हैं, लोग अपने बीवी को जैसे बहुत मानते जानते हैं। तो अभी ये जो है छुट्टी,
बहुत करते करते 4 महीने पे आया। 4 महीने से मैं बोला 6 महीना, 6 महीना नहीं 5 महीने की छुट्टी दिया है, 5 महीने 8-8 दिन की मैं छुट्टी ले लिया हूँ अभी, क्योंकि स्कूल बंद हो गया। मैं इसको बोला था यही 10-12 तारीख को मेरे को टिकट दे दो, क्योंकि स्कूल बंद हो जाएगा 6-7 तारीख को, तो इसने नहीं सुना। इसने बोला कि ये अपना त्यौहार देखने लगा ना, इसका त्यौहार क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट हो गया है ना ईद, ईद जो है ना चालू हो गए, चालू है, चालू क्या ईद बिताने के बाद ही मेरे को जाने देगा, सबसे बड़ा लफड़ा ये है। तो ये अपना अपना सुविधा देखने लगा, तो मैं भी बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को छुट्टी उतना दिन का तो दे तो दिया ना, थोड़ा मेहनत लगा लेकिन छुट्टी तो मिल गई, तो छुट्टी मोनो दे दिया है। पिछले बार भी इसी के पास थे तो 6 महीने की छुट्टी गए थे, 6 महीने नहीं 8 महीने घर पर रहे थे, 6 महीने की छुट्टी थी, वो कोरोना में मैं घर पर रुक गया तो 2 महीना और रुक गया, लेकिन हाँ घर पे रहने में बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि एक एक तो ना काम करना रहता है ना धाम करना रहता है, मन में आया तो काम किए, नहीं तो आराम से सो, आराम से कोई बोलने वाला है नहीं, आराम से सोते रहो, कोई टेंशन ही नहीं रहता है। तो फ्रेंड अभी हम आ गए हैं मार्केट में, तो चलते हैं उसके अंदर, ज़्यादा थोड़ा बहुत सामान है, और क्योंकि ये जाने वाली थी, ये मैडम जो है जाने वाली थी छुट्टी, छुट्टी क्या आज स्कूल बंद हो गया ना, तो ये जाने वाली थी, इसकी लड़की जो है ना नौकरी करती है सब, तो यहाँ वहाँ पे जाने वाली थी, जैसे एक लड़की जो है ना डॉक्टर है, एक टीचर है, एक जो है अभी दूसरे वाली का नहीं मालूम है, ये वो अभी उसका जो भी पढ़ाई वगैरह है ख़त्म हो गया है, वो यहाँ की वो सऊदी में वो उसने पढ़ाई वढ़ाई अपना नहीं की है, वो ब्रिटेन में की है, तो उसका सब चीज़ ख़त्म हो गया, वो अभी जॉब कर रही है, अब कौन सी कर रही है नहीं मालूम है, क्योंकि वो जब से गई है जॉब करने तब से एक ही बार गाड़ी में बैठी ही है, आई थी वो भी 2 दिन के लिए छुट्टी आई थी, तो एक ही दिन बैठी, हम तो सोचे कि पूछें, लेकिन मैं बोला जाने दो क्या ज़रूरी है, छोटी वाली से तो पूछ लेते हैं जो पूछना है, इन लोगों से पूछ लेते हैं, थोड़ा तीसरे नंबर वाली है ना थोड़ा बहुत कम बोलती है, और बोलती भी है ना तो बहुत धीरे धीरे बोलती है, म्याऊं म्याऊं, वो क्या बोलेगी बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, नहीं तो सुनाई भी नहीं देगा। तो फ्रेंड चलिए हम पहले चलते हैं मार्केट में, उसके बाद आते हैं, तो जो भी आप लोगों को दिखाएंगे भी, तो ये जो है ना वहीं पे जाने वाली थी, तो इसका आज जो जाना जाना था ना एक कैंसिल हो गया, अभी अगले बेफे को या शुक्रवार को जाएगी, मैं भी बहुत खुश थे कि चली जाएगी तो थोड़ा राहत मिलेगा, यानी थोड़ा आराम मिल जाएगा, लेकिन आराम नसीब में नहीं है, और हम आप लोगों को बिना देर किए हुए लेके चलते हैं मार्केट में। तो फ्रेंड अभी मेरे को 1 kg बैंगन ले लेना है, 1 kg हम बैंगन ले लेंगे, थोड़ा देखना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ा सड़ा हुआ अभी निकल जाता है ना, इसको चेक करना पड़ता है, तो चेक करके 1 kg बैंगन ले लेंगे, नहीं तो फिर वो बोलेगी कि सड़ा हुआ आ गया सर, क्योंकि एक आता है फिलिंग टाइप का उसका नहीं लेना है। और ये मोटी वाली मिर्ची देखिए मगू, हम शिमला मिर्च भी 1 kg लिए हैं, 1 kg शिमला मिर्च भी लेना था वो भी ले लिए हैं, और 1 kg बैंगन मेरे को लेना था, 1 कूसा ये जो है ना ये चीज़, और ये भी मैं लिया हूँ, ये ज़्यादा नहीं 0.5 किलो तक की, लगभग 600 ग्राम तक ली है, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं बोली है लेने के लिए, नहीं तो फिर लफड़ा कर देगी वो, क्योंकि वो पहले से बोली है मेरे को थोड़ा सा ही चाहिए। और ये जो है ना कोहड़ा के जैसे ही होता है, नेनुआ की तरह होता है, बहुत अच्छा लगता है इसकी ये जो है ना, और पूरा हरा हरा ही रहता है। और हम इधर से एक ले लेंगे कोहड़ा, कोहड़ा वो दूसरा वाला ये वाला पतला वाला लेंगे, एक पीस ले लेंगे कोहड़ा, क्योंकि वो 80 बोली है, तो बड़ा देख के इसी में से ले लेते हैं एक,
तो एक कोहड़ा भी ले लिए। और अब हमने ले लेते हैं, इधर देखिए इधर क्या लिया हूँ, इधर बैंगन है, इधर प्याज ले लिया हूँ, सनोवर ले लिया हूँ, और इधर वो कूसा जो बता रहे थे वो ले लिया हूँ, इधर 1 किलो शिमला मिर्च और भी है। ये ब्रोकली मेरे को बोली नहीं थी लेकिन मैं ब्रोकली ले लिया, क्योंकि मैं ब्रोकली देखता हूँ तो उठा लेता हूँ। और इधर ये जो है ना, पता नहीं ये एक होता है ना, पता नहीं इसका नाम नहीं याद आ रहा है। और एक दूध लिया हूँ, 2 पीस मुर्गी लिया हूँ, और ये एक सरफ लिया हूँ, 5 किलो का एरियल ऑटोमेटिक। ये है मेरी अरबिया, क्योंकि मेरा पूरा जो भी सामान है हो गया है, इतना ही थोड़ा सा ही सामान लेना था आज। तो फ्रेंड इधर मैं पूरा सामान रख दिया। तो फ्रेंड आज मेरा जो है मार्केट ख़त्म हो गया, जो भी सामान लेना था मैं ले लिया, क्योंकि उतना कोई ज़्यादा सामान नहीं लेना था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही सामान बोली थी लेने के लिए। तो मैं कुछ सामान ऐसा भी था जो चीज़ अच्छा लगता है तो ले लेते हैं, हम अपने आप उठा लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि ये अभी खीरा नहीं बोली थी, ब्रोकली नहीं बोली थी, तो मैं ले लिया, क्योंकि ये सब जल्द ढूंढने पे नहीं मिलता है, क्योंकि सीजन नहीं है ना इसके लिए, तो हमको अच्छा लगता है तो हम ले लेते हैं, वो कुछ बोलती बोलती नहीं है। तो मेरा सामान हो गया फ्रेंड, और वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।